नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। बालाघाट नगर मुख्यालय से निकट ग्राम कौसमी में 26 अक्टूबर को जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष जुगल किशोर बम्बूरे एवं जनपद सीईओ गायत्री कुमार शायत्री के मार्गदर्शन में कौसमी सामुदायिक भवन में शिविर लगाया गया था, जिसमें ग्राम के लगभग 1000 से अधिक लोगों ने श्रमिक कार्ड हेतु आवेदन किया है। आपको बता दें कि जनपद उपाध्यक्ष जुगल किशोर द्वारा गत दिनों से ग्राम कौसमी में पात्र हितग्राहियों को श्रमिक कार्ड बनाने के लिए आग्रह किया जा रहा था। इसके फलस्वरूप कल हजारों लोगों ने समीकरण बनाने के लिए आवेदन दिया है। इस संबंध में जनपद उपाध्यक्ष जुगल किशोर बम्बूरे बताते हैं कि पात्र हितग्राहियों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का फायदा मिले, इस मंशा के स्वरूप यह शिविर लगाया गया है, क्योंकि ग्राम पंचायत कौसमी के अधिकांश लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। आज शिविर का आयोजन किया गया है, कौन सा शिविर का आयोजन और क्या है? भवन सह निर्माण श्रमिक कार्ड, जो व्यक्ति भवन यानी बोलने का मतलब है बिल्डिंग, रोड नाली यानी जो निर्माण कार्य में अपनी आजीविका चलाते हैं, तो जैसे मिस्त्री हो गया, काम वहाँ लेबर काम करने वाले हो गए, वो उनके लिए श्रमिक कार्ड बनाने के लिए आयोजन रखा गया। यहाँ पे बालाघाट जनपद द्वारा जनपद सीओ सारथी जी उपस्थित है, पंचायत इंस्पेक्टर फारूक जी हैं और 4 समन्वय अधिकारी जी हैं, और जो हमारे श्रम विभाग की शाखा देखते हैं 15 जी और उनके ऑपरेटर गौरव जी, ये भी सब वहाँ उपस्थित है। और सभी को बता दिया गया है कि 5 कागज़ आपके वोटर आईडी, आधार कार्ड, समग्र आईडी और राशन कार्ड और 2 फोटो, ये लगेगी। अब ये फॉर्म जमा होकर इसकी जांच की जाएगी, जो व्यक्ति जांच में सत्य पाया जाएगा जिसका कि वो आत्म श्रमिक है, तो उनका श्रमिक कार्ड उनको मिल जाएगा। यही बात मैं अपने ग्राम पंचायत कोसमी के लोगों को अवगत करवा रहा हूँ, और इसमें लाभ बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे विवाह सहायता, जैसे मृत्यु सहायता, जैसे राशन, जो गरीब रेखा में कार्ड नहीं होता है वो श्रमिक होता है, उसको गरीब रेखा के कार्ड में जितना राशन मिलता है उतना राशन इसमें मिले। क्या रुझान लग रहा है, यहाँ के लोग आ रहे हैं क्या? लोग तो आ रहे हैं, और थोड़ा सा जानकारी का अभाव है। 2 दिन मैंने सभा ले लेकर जागरूक भी किया, तो कई गरीब लोग हैं, श्रमिक कम पढ़ा लिखा हो, वो नहीं समझ पा रहे हैं। उनके सहयोग के लिए यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं, वंदना बम्बूरे बैठी हुई, पंचायत की सहायिका बैठी है, हमारे भाजपा के बूथ अध्यक्ष जगने जी बैठे हुए हैं, वो सहयोग कर रहे हैं। मेरा रमेश यादव जी भी हैं और पाचे जी भी हैं, दाऊ पाचे ये भी हैं, सब ग्रामीणों के द्वारा सहयोग लेकर, अधिकारियों का सहयोग लेकर ये कार्य किया जा रहा है। लोगों के लिए श्रमिक कार्ड बन जाए, उनको योजनाओं भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार की योजना से जुड़ जाए और उनको लाभ मिले, ये प्रयास चल रहा है। शिविर में किसी प्रकार से राशि का नहीं ली जा रही है, उन्हें लोक सेवा लाने की जरूरत नहीं है और भी सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, यही एक ही छत के नीचे सभी का निराकरण किया जा रहा है। लगभग कितना श्रमिक कार्ड बन जाएगा? लगभग अभी जाँच, अभी तो आवेदन लगभग 300-400 आवेदन आ चुके हैं, अब उसमें जांच होगी। ये होता है कि जो श्रमिक नहीं वो भी आवेदन कर देता है, उसकी जांच होती है ना। शिविर आयोजित किया गया है आज ग्राम पंचायत कोसमी में, मध्य प्रदेश भवन अनुसंधान निर्माण योजना के तहत जो पात्र श्रमिक है उनका पंजीयन करने हेतु विशेष कैंप का आयोजन किया गया है। कुछ शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ बहुत सारे पात्र व्यक्ति हैं जो छूट गए हैं, उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है, तो हम लोगों ने आज एक विशेष कैंप लगाया और इसी प्रकार अन्य पंचायतों में भी विशेष कैंप लगा करके जो पात्र व्यक्ति हैं उनका पंजीयन करने की कार्रवाई की गई है। खबर समय जगत के लिए बालाघाट से संजय अजीत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.